बांग्लादेश इस समय कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जंग लड़ रहा है, तो वहीं तीसरे चरण के लॉकडाउन को आगामी 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद विदेश में बने क्वारंटाइन सेंटरों तथा राहत शिविरों में समय गुजार रहे लोग अपने घर जाने की राह देख रहे हैं। इसी के तहत काशीपुर में प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ नेपाल के रहने वाले लोग राहत शिविर में अपना समय परिवार जैसा माहौल बनाकर बिता रहे हैं। इससे जहां एक तरफ इनका समय बीत रहा है, तो वहीं ऐसे में इन्हें अपने परिवार से दूर रहने का एहसास भी नहीं हो रहा है। आपको बताते चले कि काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत में राहत शिविर बनाया गया है। वैसे तो इस राहत शिविर में 2 दर्जन से अधिक शरणार्थी कोविड 19 के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के बीच यहां समय बिता रहे हैं, लेकिन इस राहत शिविर में बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत नेपाल देश के शरणार्थी अपना समय बिता रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को परायेपन जैसा एहसास न हो, इसके लिए इन सभी ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिससे राहत शिविर में रह रहे इन सभी शरणार्थियों को अपनेपन का एहसास तो हो ही रहा है, साथ ही एक दूसरे के माध्यम से दूसरे प्रदेश तथा नेपाल जैसे देश की भाषा भी सुनने को मिल रही है। शाम होते ही आपस में एक जगह परिसर में बैठ जाते हैं तथा अपनी भाषा में गीत गाते हैं। एक दूसरे को अपनी भाषा में गीत गाकर तथा देशभक्ति गीत, फिल्मी गीत गाकर, शेर और शायरी सुनाकर मनोरंजन करते हैं। शिविर में इस समय कुल मिलाकर 36 लोग रह रहे हैं। ये 31 तारीख से प्रारंभ हो गया था। यहाँ बिहार के 12 लोग, नागालैंड के 9 लोग, नेपाल के 9 लोग, एक पंजाब से, एक उत्तराखंड से, 3 बंगाल से और एक उत्तर प्रदेश से, कुल मिलाकर 36 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके योगा करते हैं। योगा करने के बाद फिर इनको नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते के बाद फिर ये सब दोपहर में लंच करते हैं। लंच के बाद शाम को 5:30 बजे फिर इनका योगा क्लास चलती है। और ये विभिन्न प्रांत और विभिन्न, एक तरीके से देखा जाए, दूसरे देश के लोग भी हैं, तो यहाँ यह शाम को अपनी लोक संस्कृति के गाने गाते हैं और गीत गाकर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। इनको किसी प्रकार की बोरियत महसूस नहीं हो रही है और इनको घर जैसा एहसास यहाँ पर कराया जा रहा है। पहले में जो कमरे हैं, उन कमरों में नीचे गद्दे बिछा करके उनको वहाँ सोने की व्यवस्था दी गई है और एक कमरे में 3 ही लोगों को रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहाँ इनके रुकने में भी किया जाता है।